मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और नहीं दर्ज होंगे नए मामले, पुराने केसों में भी कोर्ट से मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रोक लगा दी है, अब इसके तहत नए केस नहीं दर्ज हो सकेंगे। इसके अलावा पुराने मामलों में भी लोग अदालत में जाकर राहत की अपील कर सकते हैं। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी कि इस कानून की समीक्षा होने तक इसके तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगाना ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि संघीय अपराधों में वरिष्ठ अधिकारी की संस्तुति पर ऐसे केस दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को ठुकराते हुए कानून पर रोक लगाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने एक तरफ केंद्र सरकार से इस कानून की समीक्षा करने को कहा है और इसकी धारा 124A पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है, वहीं दूसरी तरफ उसने समीक्षा की प्रतिक्रिया पूरी होने तक 124A के तहत नए केसों को दर्ज किए जाने पर रोक भी लगा दी है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वे IPC की सेक्शन 124A के तहत लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने पर रोक लगाएं। इसी सेक्शन को देशद्रोह कानून भी कहा जाता है। ब्रिटिश दौर से इस कानून को हटाए जाने की अक्सर मांग उठती रहती है, जिसे लेकर पिछले दिनों शीर्ष अदालत में अर्जी भी दी गई थी और इसी पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ये फैसला दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।